करीब दो हफ्ते से सिंगू और टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षा कारणों से सील किए जाने के बाद आम लोगों के लिए राहत भरा कदम उठाया गया है। पुलिस ने सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर सर्विस लेन से सीमेंटेड बैरिकेड्स और बाकी अवरोधों को हटाना शुरू कर दिया है, जिससे आम लोगों को दिल्ली हरियाणा आने जाने में दिक्कत ना हो। आपको बता दें, किसान संगठनों का कि दिल्ली कूच फिलहाल कुछ दिनों के लिए टल गया है। अगली रणनीति के बाद फिर से सुरक्षा बंदोबस्त उसी तरह तैयार कर दिए जाएंगे। दोनों ही बॉर्डर पर पूरी तरह शांति है। डे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे दिल्ली पुलिस के जवानों और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगले दो चार दिनों में बाकी सर्विस लेन और मुख्य रास्तों पर भी ढील दी जा सकती है। फिलहाल दोनों तरफ केवल एक ही लेन खोली जा रही है। 13 फरवरी से बंद टिकरी बॉर्डर को भी सर्विस लेन के साथ खोलने का काम शुरू किया गया है। बॉर्डर पर खड़े किए गए ट्रक, कनेक्टर और ट्राला भी रवाना कर दिए गए हैं। उन बैरिकेड्स को भी हटाया जाएगा जिन पर कंक्रीट डालकर पक्की दीवार की तरह बना दिया गया था।